गांधीनगर में NFSU खाते बिहेवियरल एंड डिजिटल फॉरेंसिक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत थी, जेनु उद्घाटन गृहमंत्री अमित शाहे कर्यु। आ कॉन्फ्रेंस ने संबोधता गृहमंत्रीए क्रिमिनल जस्टिस सीस्टम अने तेमा फॉरेन्सिक्सना महत्व पर भार मूक्यो हतो। साथे ज 150 वर्ष पछी क्रिमिनल जस्टिस सीस्टम में जे फेरफार थया ते अंगे बात करी। ये 150 साल से हम अंग्रेजों के बनाए हुए कानून से चलते थे। मैं एक छोटी सी बात आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारी संपूर्ण न्याय प्रणाली ये न्याय पर आधारित है। न्याय एक अम्ब्रेला टर्म्स है। इसके अंदर विक्टिम भी आता है और जिसने क्राइम किया है वो भी आता है। अब तक हमारी न्याय प्रणाली लंगड़ी थी। इसका नाम ही दंड के नाम से पिनल कोड रखा गया था, दंड के नाम से रखा है। अब पहली बार न्याय के मूल भारतीय कंसेप्ट को इसके अंदर स्थान दिया गया है। पहले जो कानून थे इसका उद्देश्य अंग्रेजों के राज को यहां पर सुरक्षित करना था। फॉरेंसिक साइंस आवनार वर्षों में भारत नु भविष्य हशे અને તેના કારણે ઝડપી ન્યાયની પ્રક્રિયામાં પણ ફાયદો થશે। આગામી 5 વર્ષ પછી દેશને દર વર્ષે હજારો ફોરેન્સિક એક્સપર્ટ મળશે તેવી પણ NFSUના નેજા હેઠળ સિસ્ટમ તૈયાર કરાઈ છે, જે ક્રાઇમની ઘટનાઓ રોકવામાં ખૂબ મદદરૂપ સાબિત થશે। અગર બિહેવિયર કા સ્ટડી ઢંગ સે કર લિયા જાતા હૈ ઓર ઉસકા શિક્ષા કે અંદર ઓર પ્રાથમિક શિક્ષા કે અંદર વિશેષ કર स्थान को कोऑर्डिनेट स्थान देकर इसको कोऑर्डिनेट करते हैं तो हम क्रिमिनल को खड़ा होने से ही रोक सकते हैं। कुछ तो घटनाओं से क्राइम हो जाते हैं, उसकी हमारे पास कोई काट नहीं है, परंतु साइकोलॉजी को समझकर बिहेवियर को समझकर अगर इसका उपाय शुरू से करते हैं तो ढेर सारे लोगों के जीवन को भी बचाया जा सकता है और हमारे समाज के अंदर क्राइम की संख्या में बहुत बड़ी कटौती भी लाई जा सकती है। आवनार भविष्य टेक्नोलॉजी पर आधारित हशे अने न्याय माटे लोगों ने वारंवार कोर्ट कचेरियों ना धक्का नहीं खावा पड़े, कारण के जे न्याय प्रणाली लंगड़ी हती ते अंग्रेजों ना कायदा हता। परंतु आवनार 5 वर्ष में भारत नी कायदो व्यवस्था विश्व में सौथी आधुनिक अने कारगर साबित थशे। મેહુલ દેસાઈ, VTV ન્યૂઝ, ગાંધીનગર।